Hello everyone, good morning to all. Dear student, in my previous video, I have completed my term 1 and 2 of chapter 4. In this video, I will complete my term 3 and 4. So let's see in your practice book my term 3 and 4. Riddle time. Riddle means hota paheli, paheli ka samay. Who am I? Pehchano, main kaun hoon? These are parts of our house. Ye hamare ghar ke hisse hain. Complete their names, उनके नाम को पूरा करिए by filling the missing bubbles. इसमें जो bubbles हैं वो missing हैं, bubbles की help से इनके नेम को पूरा कीजिए. I am on the top of the room. मैं कमरे में सबसे ऊपर होता हूँ, तो क्या होता है कमरे में सबसे ऊपर? Ceiling. Ceiling means होता है छत. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? Ceiling. You step on me all the time means आप मेरे ऊपर हमेशा step means होता कदम रखते हो. तो किसके ऊपर कदम रख के आप चलते हो? Floor, first word. यहाँ हम क्या लिखेंगे? Floor. FLOOR. Next, we divide your rooms. हम तुम्हारे कमरे को divide करते हैं. तो क्या चीज़ divide करती है? Wall. Wall means होता दीवार. Wall की spelling WALLS, walls. I allow light and air to enter the house. ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो घर में प्रकाश और हवा आने की परमिशन देती है? तो विंडो. यहाँ हम क्या लिखेंगे? विंडो. WINDOW, विंडो. नेक्स्ट, I allow you to enter the house or a room. मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो घर में अंदर आने के लिए और कमरे में अंदर आने के लिए परमिशन देती है? तो डोर. डोर मीन्स होता दरवाजा. नाउ आई विल रीड माय टर्न 4. राहुल इज अ लेजी बॉय. राहुल एक आलसी लड़का है. हिज रूम इज ऑलवेज अनटाइडी. उसका रूम हमेशा अव्यवस्थित रहता है. सर्कल द थिंग्स. आपको थिंग्स पर सर्कल करना है दैट आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. जो अपने प्रॉपर स्थान पर नहीं है उन चीज़ों को आपको इसमें सर्कल करना है. एज यू कैन सी इन हर बेडरूम बुक्स बॉल सॉक्स एंड रैकेट्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर. यू हैव टू सर्कल दीज थिंग्स. नाउ यू हैव टू फिल सेल्फ चेक. अब आपको ये सेल्फ चेक फिल करना है. टॉपिक्स दिया हुआ है आई अंडरस्टैंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड. जो टॉपिक्स हैं वो समझ में अगर आपको आ गए हैं तो आई अंडरस्टैंड वाले में आप टिक करेंगे. अगर समझ में नहीं आए हैं तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड. It is enough for today. Now complete your today's work in your practice book. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.